यही उल्लर नखयर ताले एलेजार है वल्ला न कुल्लिया मुझे यर्दे। इसका मतलब नो नीड टू अंडरस्टैंड। आपको समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपने सवाल उठाया तो अल्लाह उठा करके आपको जहन्नुम में डाल देगा और आपको इतनी मार मारेगा कि आपको वहां पे सांप काटेंगे, बिच्छू काटेंगे और कांच पिघला के आपकी आंख में डाला जाएगा। अगर आपने सवाल पूछ लिया तो आपको सवाल नहीं पूछ। तकफुरल्ला लाहौल वाला कुवता इल्ला बिल्लाही अलिल अजी नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिका। हम डर जाते हैं। ओहो, अरबी बोल दी साहब, हम डर जाते हैं। हम उनके मुंह के वचनों से डर जाते हैं। खुदा का कलाम कहता है तो उनके मुंह के वचनों से ना डरना। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका सवाल बहुत बड़ा है इस प्रोग्राम का, और हमारा प्रोग्राम लेट्स टॉक टुडे। आइए बात करते हैं, एक बड़ा सवाल है। पास्टर राहुल कुचेकर, एक और बार स्वागत है आपका इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उस बुलाहट के बारे में जो आपकी है, और एक और सवाल जो आज चर्च के लिए भी है और हम सबके लिए है, आपके लिए भी है। सवाल ये है, वाई इस्लाम? ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, इस्लाम क्यों? क्योंकि आप प्रभु मसीह में आए, ना तो आप मसीह थे ना आप जो है मुस्लिम है। जब आप में ये सब दोनों ही बातें नहीं, आप मसीह में आकर और इस्लामिक लोगों के बीच में और मुस्लिम लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का संदेश पहुंचा रहे हैं, बड़ा उद्देश्य है। सुनिएगा बड़ी गौर से, वाई इस्लाम? इसकी शुरुआत कई सालों पहले हुई। मेरे एक पास्टर थे, उन्होंने मुझको कहा, राहुल अपने ऊपर थोड़ा गौर कर, तू क्या कर रहा है? मैंने गौर किया, मुझे समझ नहीं आई बात। मैंने उनसे पूछा, मुझे बताइए मैं क्या कर रहा हूँ, किस बारे में बात कर रहे हैं, समझ नहीं आया। हाँ, तो उन्होंने कहा, राहुल तू अपनी बाइबल देख, वो आसमानी किताब, एक बाइबल आती है आसमानी किताब जो हिंदी में होती है लेकिन उसके तलफ्फुज उर्दू में होते हैं, वो मैं लेकर आया था। तो मुझे कहते हैं कि तेरे पास उर्दू बाइबल क्या कर रही है? ओके। तेरे मोबाइल के जो रिंगटोन है वो उर्दू अरबिक की है। तू जब इवेंजलिज्म के लिए बाहर निकलता है तेरा अट्रैक्शन मुसलमानों की तरफ होता है, ऐसा क्यों? ये सवाल उन्होंने पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा, जो प्रभु के सेवक है, जो आपकी अगुवाई करते थे। जी, ओके। उन्होंने मुझसे पूछा क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा, उन्होंने मुझको ऐसा देखा। ओके, कि तू ऐसा क्यों करता है? और ये बात मेरे लिए भी बड़ी सरप्राइज वाली थी कि यार मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं ऐसा क्यों करता हूं। तो उन्होंने मुझे मना किया कि ऐसा मत करो। ओके। उन्होंने मुझे कहा, राहुल तुम ऐसे लोगों के बीच में क्यों जाना चाहते हो जो इतने कट्टर होते हैं? ऐसे लोगों के बीच में क्यों जाना चाहते हो? मैंने उनकी बात सुन ली, कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने खुदा से दुआ करी। मैंने कहा, खुदा तू मुझे बता कि तू क्या चाहता है। तब तक आपके मन में भी ये सवाल नहीं था? नहीं। आपको मालूम नहीं था कि आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। ओके, ओके। मैं बस कर रहा था, क्यों कर रहा था मुझे भी नहीं मालूम था। तब मैंने खुदा से बात करी, दुआ करी। मुझे अभी भी याद है, मैं उस वक्त तुगलकाबाद में रहता था, दिल्ली में जगह है तुगलकाबाद, और सुबह 4 बजे उठकर मैं एक पार्क में जाया करता था दुआ करने के लिए। ओके। तो वहां पर हिरन भी आ जाया करते थे। अच्छा। वहां पे और जानवर भी आ जाया करते थे दिल्ली में, वो भी दिल्ली में। अच्छा। एक बड़ा सा पार्क था वहां पर, तो मैं बहुत एंजॉय करता था। खैर, तो मैं दुआ करता था और खुदा से मैंने मांगा, खुदा तू मुझे बता, तू मुझसे चाहता क्या और मेरी कॉलिंग क्या है, मुझे बता। खुदा ने नहीं बताया, खुदा ने एकदम से रिवील नहीं किया। जो सबसे पहली चीज खुदा ने मुझे रिवील करी वो ये कि मैं बाइबल को जानूं। बिल्कुल सही। मैं बाइबल को सीखूं सबसे पहले। उस टाइम मैं बाइबल भी नहीं जानता था, मैं बाइबल को सीखूं। और मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ने ये होने दिया इसलिए कि अगर मैं बाइबल से पहले कुरान पढ़ लेता तो मैं भटक जाता। ओ, ऐसा? ओके। तो खुदा ने पहला मेरा रुख बाइबल की तरफ किया कि मैं बाइबल को जानूं, बाइबल को पढ़ूं, बाइबल को समझूं।
उसके लिए मैं बाइबल कॉलेज गया। बाइबल कॉलेज जाने के बाद सब लोग अपनी अपनी गवाही दे रहे थे, सब स्टूडेंट्स, कि मेरी कॉलिंग ये है, मेरी कॉलिंग ये है, मेरी कॉलिंग ये है, मेरी कॉलिंग ये है। मैं मन में अपने आप से पूछ रहा था, राहुल तेरी कॉलिंग क्या है, तेरी बुलाहट क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने खुदा से फिर दुआ करी, मैंने कहा खुदा मुझे बता मेरी कॉलिंग क्या है, तूने मुझे क्यों चुना है, तूने मुझे बेवजह नहीं चुना, तूने मुझे कोई दर्शन दिया, मुझे बता वो क्या है। मैंने खुदा से दुआ करी, दुआ करके मैं सो गया। सपने के जरिए खुदा ने मुझे बताया कि मैंने तुझे मुसलमानों के लिए चुना है। क्या बात है, प्रभु ने आपको स्वयं बताया, मैंने तुझे मुसलमानों के लिए चुना है, तेरी कॉलिंग मुसलमानों के लिए है। पहली चीज, मैंने सपना देखा। दूसरी चीज, खुदा के एक खादिम ने मेरे लिए नबुवत करी, मेरे लिए भविष्यवाणी करी कि खुदा ने आपको मुस्लिम इवेंजलिज्म के लिए चुना है। ओके। उसके बाद मेरे को याद आया कि मुझे चर्च में भेजने वाला लड़का मुस्लिम था। हाँ, सही कहा, जो आपने गवाही में आपने बताया, ठीक बात है। उसके बाद एक रीजन और ये कि लोग हिंदूस के पास जाते हैं, सिख कम्युनिटीज में जाते हैं, जैन कम्युनिटी में जाते हैं, सभी कम्युनिटीज में जाते हैं, यहाँ तक कि एथिस्ट के पास भी लोग जाते हैं जो खुदा को नहीं मानते, उनके पास भी जाते हैं, लेकिन मुसलमानों के पास नहीं जाते। तो मेरे मन में सवाल आया, राहुल अगर तू नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? बहुत बढ़िया, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? कोई नहीं कर रहा। बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है कि लोग मुसलमानों के बीच में इवेंजलिज्म कर रहे हैं। सही बात है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं उर्दू सीखूंगा। मैं गया और पर्शियन लैंग्वेज की उर्दू, जो कि ये बाइबल है, ओके, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, जो कि इस तरीके की होती है, ओके, जो कि उर्दू हम देखते हैं और इसे हम ऐसा पढ़ते हैं, इसको हम पर्शियन उर्दू बोलते हैं। पर्शियन उर्दू, एक होती है देवनागरी उर्दू जिसकी लिपि हिंदी में होती है, एक होती है पर्शियन उर्दू जो आसमानी किताब में है। एग्जैक्टली, वो देवनागरी उर्दू, देवनागरी उर्दू, और ये पर्शियन उर्दू हो गई। ओके। तो मैं इसको खरीद के लेकर आया और जैसे कि मैंने अपनी गवाही में बताया कि मैं इसको लेकर के बैठा और मैंने इसको देख रहा था कि ये क्या लिखा है, और इसको देखते देखते मेरे आंसू इस पर गिरे क्योंकि मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा था। खुदा ने मुझे मुस्लिम्स के लिए चुना है लेकिन उनकी जुबान मुझे नहीं आती। तो खुदा ने मुझे उर्दू पढ़नी सिखाई और उर्दू पढ़ने के लिए मैंने मदरसा ज्वाइन किया। मदरसा ज्वाइन किया, अभी आप बाइबल कॉलेज में थे? मैं बाइबल कॉलेज, बाइबल कॉलेज से मदरसा? नहीं, बाइबल कॉलेज में रहते रहते मैंने मदरसा ज्वाइन किया, मैं बताऊंगा कैसे। अच्छा, दोनों समय एक साथ, पैरेलली? वाह, क्या बात है। हमें सैटरडे को छुट्टी मिलती थी बाइबल कॉलेज से, तो मैं सुबह निकलता था और शाम तक मैं मदरसे में होता था। मैंने मदरसे में एडमिशन लिया, वंस इन अ वीक मैं मदरसे में जाया करता था। अच्छा। सिर्फ खाली उर्दू सीखने के लिए नहीं, उनको इवेंजलाइज करने के लिए भी मैंने मदरसे में एडमिशन लिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे उर्दू सीखनी है, मुझे उर्दू ज़ुबान सीखनी है, मुझे सिखाइए। उन्होंने मुझे उर्दू ज़ुबान सिखाई और मैंने उनको गॉस्पल भी दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वो जो मौलाना साहब थे जो मुझे उर्दू पढ़ा रहे थे, उन्होंने मुझे इस्लाम की दावत दी। इस्लाम की दावत? जी। मतलब क्या है इसका? उन्होंने कहा कि राहुल तुम्हें इस्लाम कबूल करना चाहिए। ओके। तुम हिंदू से मसीही बने हो, क्रिश्चियन बने हो, तुम्हें इस्लाम कबूल करना चाहिए क्योंकि आखिरी नबी जो है वो मोहम्मद साहब हैं। ओके। और उन्होंने मुझको कहा कि आपकी बाइबल के अंदर मिस्टेक है। मैंने उनसे पूछा क्या मिस्टेक? उन्होंने कहा आपकी बाइबल में लिखा है यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, ये आपकी बाइबल में लिखा है, ये गलत है। अच्छा। जबकि हुआ ये है, दरअसल हुआ ये है कि यीशु मसीह मरे ही नहीं। अच्छा। उन्होंने, मौलाना साहब ने मुझसे कहा कि यीशु मसीह मरे ही नहीं, बल्कि वो
जिंदा आसमान पे उठा लिए गए, उनको सलीब दी ही नहीं गई। बिल्कुल बिल्कुल, वो यही बातें कहते हैं। वो ये बात कहते हैं। मैं वापस आया, तो मैं अपने बाइबल कॉलेज में वापस आया और मैंने किसी को फोन किया, उनको फोन किया जो पहले से ही मुस्लिम इवेंजलिज्म कर रहे थे, मुसलमानों के बीच में गॉस्पल शेयर कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, मौलाना साहब ने ऐसे कहा है कि यीशु मसीह मरे नहीं है, यीशु मसीह को सलीब नहीं दी गई, वो जिंदा आसमान पे उठा लिए गए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि राहुल, उन मौलाना साहब से कहो कि आपकी कुरान में लिखा है, ओके, आपकी कुरान में लिखा है कि वो पैदा हुए, मरे और जी उठे। तो उन्होंने मुझे कुरान का रेफरेंस दिया, सूरा अल मरियम, सूरा नंबर 19 और उसकी आयत नंबर 33 और 34, जिसमें इस तरह से लिखा हुआ है, मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ, मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं मरूंगा, मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं फिर से जिंदा करके उठा लिया जाऊंगा, मुझ पे सलाम व रहमत है, ये मरियम के बेटे ईसा हैं जिसमें लोग शक करते हैं। ये कुरान की आयत है। क्या बात है। मैंने उन मौलाना साहब को जाकर के ये कुरान की आयत पढ़वाई। मैंने कहा, मौलाना साहब आप मुझे कह रहे हैं कि यीशु मसीह मरे नहीं, यीशु मसीह को सलीब नहीं दी गई, बाइबल तो ये कह ही रही है, लेकिन साथ ही साथ ये बात आपकी कुरान भी कह रही है। कुरान भी कह रही है, आपने भी तो पढ़ा होगा, कहा नहीं, आपसे चूक कैसे हो गई। हाँ, तो आपकी कुरान भी इस बात को कह रही है। जब मैंने उनको ये पढ़वाया, मैं मन में दुआ कर रहा था कि ये स्वीकार करें, कि ये इसको समझे। कैन यू इमेजिन, वो रोने लग गए। वो किस वजह से रोने लग गए मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम किस वजह से रोने लग गए, वो चुप हो गए। मैंने सोचा कि मैं अगले दिन जा करके इनसे बात करूंगा, इनको गॉस्पल शेयर करूंगा। लेकिन जब मैं अगले दिन वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने 6 महीना इंतजार किया कि वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। पता चला कि वो हिंदुस्तान मुल्क छोड़ के चले गए हैं। वो सऊदी अरेबिया में जाकर के बस गए हैं। तब से लेकर अब तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। एंड आई बिलीव कि उनको ये बात समझ आई होगी। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत ज़रूरी है। मेरी जानकारी में जैसा कि हमने स्टडीज़ की हैं, मुझे बताइएगा क्या ये सही है। हम देखते हैं कि ज़्यादातर हम लोग जो मसीह लोग हैं, हमें परमेश्वर, मैं कहूँ खुदा का कलाम पढ़ना सिखाया जाता है जी। मैं कहूँ पढ़ना तो सिखाया नहीं जाता, मतलब उसे जीना सिखाया जाता exactly. है, उसे खाना सिखाया जाता exactly. है, उसे पीना सिखाया जाता है, ये हमारी जिंदगी होता जी. है। सो फॉर द मुस्लिम टू, मुस्लिम्स के लिए भी वैसा ही है? नहीं, लेकिन मुस्लिम्स के लिए वैसा नहीं है। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। मुसलमान अपनी कुरान को अरबी जुबान में पढ़ता है। अच्छा, यही उल्नर दनखयर ताले एलेजार वल्ला मन कुल्लिया मूजा यर्दे, इसका मतलब नो नीड टू अंडरस्टैंड, आपको समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपने सवाल उठाया तो अल्लाह उठा करके आपको जहन्नुम में डाल देगा और आपको इतनी मार मारेगा कि आपको वहां पे सांप काटेंगे, बिच्छू काटेंगे और कांच पिघला के आपकी आंख में डाला जाएगा। अगर आपने सवाल पूछ लिया तो आपको सवाल नहीं पूछना। ये बात कुरान में लिखी है या फिर हदीस में है? ये बात मौलाना साहब अपने तरफ से कहते हैं, राइट, ताकि उनको दबा के रख सके, क्योंकि मुसलमान कुरान को पढ़ेगा और सही तरीके से पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा। हाँ, ये वो बातें हैं ना कि मतलब छुपा कर रखना, किसी को जानने ना देना exactly. और लोगों को दबा के रखना exactly. पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि तू सत्य को जानोगे और सत्य तुझे आजाद करेगा, आजाद कर देगा, बिल्कुल 100%। एग्जैक्टली, आज भी बहुत सारे लोग जब प्रभु यीशु पर विश्वास करने आते हैं तो कई लोगों की समस्या होती है कि मुझे अपने पुरानी ईस्ट को छोड़ना है, क्या मुझे ये सारी चीजें छोड़नी है, क्या मुझे वो छोड़ना पड़ेगा, क्या ये छोड़ना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैं कभी किसी को कुछ नहीं बोलता। मैं कहता हूँ कि पवित्र शास्त्र जो मेरे हाथ में है, जिस पर यीशु मसीह का नाम है, जो यीशु स्वयं है, मती की यहूना की पुस्तक के अनुसार आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, वही वचन ने देह धारण किए, जो वचन मेरे हाथ में है। यीशु मसीह स्वयं कहता है, तू सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य यीशु है जी।
जब उनकी बात करते हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि वहां तो ये सिखाने के लिए कौन सिखा रहे हैं, मौलाना साहब सिखा रहे हैं, ना केवल ना कि कुरान सिखा रहे हैं, क्योंकि कुरान तो समझने के लिए है राइट, राइट, उसको ऐसा ट्रांसलेशन नहीं है कि वो समझ पाए, राइट, हमारे पास है जी कि हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं कुरान, आज देवनागरी भाषा में लिखी है कुरान, और रोमन हिंदी में भी है, रोमन उर्दू में भी कुरान है, और जो आपने भी बताया, फिर भी लोग नहीं उसे समझने की अनुमति नहीं दी जाती। जैसा कि अभी बोला क्या, समझने के साथ साथ उनको सिर्फ ये सब बातें रटा दी जाती है कि फलानी जगह ये लिखा है और भी अरबिक में, वो भी अरबिक में। हाँ। उन्हें पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता, नहीं। सिर्फ उन्हें भरमाया जाता है कि ये चीज ऐसी है। एग्जैक्टली। वेल, इस बात के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप ये पूछें कि ऐसा क्यों करवाते हैं लोग, क्यों ऐसा भरमाते हैं, क्या फायदा है, देखिए लोगों को दबाकर रखना जो है, बाइबल हमें सब तरह से आजाद करती है, जाति से, बिरादरी से, ऊंच से, नीच से, विचारों से, दूसरी बातों से, बंधनों से, शैतान की ताकतों से और समाज की बेड़ियों से, हर चीज से हमें बाइबल आजाद कर देती है। जब बाइबल आजाद कर रही है और जहां पर कोई दूसरी चीज हमें बांध कर रखती है वो हमें कहीं और लेकर जा रही है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड। यही रीजन है कि समझना जरूरी है। और आज इस्लाम को मानने वाले बहुत सारे लोग बंधे हुए और आज के समय तक नीचे तक इसी स्तर पर हैं, क्योंकि वो अभी तक आजादी प्राप्त नहीं, बिल्कुल उन्हें आजादी नहीं मिली। इज दैट राइट? क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैं एक चीज और बताना चाहूंगा एग्जाम्पल के तौर पर जी। अगर दो मिठाई वाले हैं, एक मिठाई वाला अपनी मिठाई डालडे से बनाता है, डालडे से या फिर तेल से बनाता है, ठीक है, और एक हलवाई अपनी मिठाई देसी घी से बनाता है, तो अगर हम पहले वाले मिठाई वाले के पास में जाएंगे और उसको कहेंगे कि भैया जरा टेस्ट करवाओ, क्योंकि उसकी मिठाई डालडे से बनी हुई है तो वो टेस्ट नहीं करवाएगा, लेकिन जिसकी मिठाई घी से बनी हुई है वो कहेगा आओ चख कर देखो कि मेरी मिठाई कैसी है, वो अपने आप टेस्ट करवाएगा। बाइबल भी ये कहती है, यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है, तुम आओ मुझे चख कर देखो कि मैं कैसा भला हूं। क्या बात है मैं कैसा भला हूं। बहुत बढ़िया। इसलिए बाइबल को हम समझते हैं, लेकिन इस्लाम में वो आजादी नहीं है। इस्लाम में समझना मना कर रखा है, समझो मत, अरबी में पढ़ते जाओ सवाब मिलेगा, अरबी में पढ़ते जाओ बरकत मिलेगी, बस रटते चले जाओ, समझने की कोशिश मत करो। आप जब वहाँ पर थे, जब मदरसे में थे, क्या उन लोगों ने आपका कभी विरोध नहीं किया कि भाई तुम जो हो क्यों यहाँ पर आते हो? नहीं, ऐसा कोई विरोध कभी विरोध नहीं किया? कभी ऐसा आपको महसूस हुआ हो कि उन्हें लगता हो कि भाई हमारी नाक पर कोई मक्खी बैठी है और हम उसे? नहीं, ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ पे मदरसे में पढ़ रहा था, मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठ के पढ़ रहा था। अच्छा। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे कायदा सीखते थे अरबी का। अच्छा। तो उन्हीं के साथ बैठ के मैं सीखता था, तो एक लड़का मेरी पैंट खींच के मुझे कहता है, आप वही हो ना जो सलीब की पूजा करते हो? अच्छा। तो मेरे मन में, जहन में सवाल आया, इस बच्चे के जहन में किसने भरा? तो मौलाना साहब ने भर दिया। हाँ, उन्होंने अलग से क्लास ली हो। अलग से उनकी क्लास ली। इसके अलावा मुसलमानों के बीच में जाने का एक कारण और है। अक्सर मैंने अपने मसीह भाई बहनों को कहते सुना है कि मुसलमान बहुत कट्टर होते हैं, वो सवाल जवाब करेंगे आपसे, आपके ईमान पर वो सवाल उठाएंगे। उनको पहले से रटाया गया है, ठीक है, कि उनकी बाइबल से कुछ आयतें उठा लो और आयतें उठा करके उनके ऊपर डालो, उनसे पूछो और उनसे सवाल करो। बाइबल उन्होंने भी नहीं पढ़ी, कुछ आयतें निकाल करके वो हमसे आर्ग्यूमेंट करने के लिए आते हैं। इस वजह से लोग मुसलमानों के पास में जा करके उनको गॉस्पल नहीं सुनाते। तो मुझे लगता है खुदा ने मुझसे बात करी कि राहुल तुझे जाना चाहिए। ये बात भी सही है। मुझे याद है कि जब मैं अपने स्ट्रीट इवेंजलिज्म के समय पर, जब मैं सड़क पर जाया करता था, कई बार मेरे भी मुस्लिम्स के साथ आमना सामना हुआ करता था और उनके साथ हमेशा ये बातचीत एक हद तक आर्ग्यूमेंट तक पहुंच जाती
और वो कभी भी किसी भी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं जी। यहाँ तक कि वो कई बार बहुत आक्रामक हो जाते और कई बार तो उनकी जो है टोन के साथ साथ उनके व्यवहार बदल जाते और वो कुछ और बातों को भी करते जो करना उचित नहीं। बिल्कुल ऐसा हमेशा होता था। बिल्कुल पर मैं मेरी भी एक हद थी जितना मैं समझता हूँ और हमेशा उनके आर्गुमेंट हैं वो जानते कुछ भी नहीं है। आपने ठीक कहा, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। जी मैं कुछ बाइबल से बताना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज बाइबल की इस पैसेज ने मुझे मुसलमान के बीच में जाकर सेवकाई करने के लिए बहुत ताकत दी है। यह है यहेजकेल की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत से। यहेजकेल की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत से। परमेश्वर की बुलाहट उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो, अपने पांव के बल खड़ा हो। तो इस आयत ने मुझसे बात करी, राहुल यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। हम अक्सर कहते हैं ना कि यार वो अपने पांव के बल खड़ा हो गया, वो अपने पांव पे खड़ा हो गया, तो हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हो गया। क्या बात है, क्या बात। तो इस खुदा की, इस कलाम ने मुझसे बात करी, राहुल यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। क्या बात है, रिस्पॉन्सिबल टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड टू मुस्लिम्स। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे और लिखा है, और मैं तुझसे बातें करूंगा, और मैं तुझसे बातें करूंगा। इस कलाम ने मुझसे कहा कि जब तू रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, जब तू अपनी इस कॉलिंग को एक्सेप्ट कर लेगा कि तुझे मुसलमानों के बीच में जाना है, तब मैं तुझसे बातें करूंगा। क्या बात, मैं तुझे बड़ी बड़ी और गहन बातें मैं तुझे बताऊंगा। मैंने मैं बहुत बढ़िया जी। आगे लिखा है, जैसे ही उसने मुझसे यह कहा त्यों ही आत्मा ने मुझमें समाकर, तो ही आत्मा ने मुझमें समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया, मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। इस आयत ने मुझे बताया कि राहुल डर मत, तुझे मुस्लिम इवेंजलिज्म के लिए खड़ा करने वाला वो पवित्र आत्मा है जो हमको दिया गया है। Amen, amen. Praise the Lord. और उस पवित्र आत्मा ने मुझे खड़ा कर दिया ताकि मैं मुसलमानों के बीच में जाकर के सुसमाचार सुनाऊं। आगे पढ़िए, आगे लिखा है, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी, और मैंने उसकी सुनी। खुदा के कलाम ने मुझसे बात करी, राहुल अगर तुझे मुस्लिम इवेंजलिज्म करना है, यू हैव टू लिसन गॉड। क्या बात है, तुझे परमेश्वर की सुननी पड़ेगी, परमेश्वर की डायरेक्शन को सुनना पड़ेगा कि परमेश्वर तुझसे क्या कह रहा है, और जैसा जैसा परमेश्वर तुझसे कहे वैसा वैसा तुझे करना होगा। आगे लिखा है, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इसराइलियों के पास, मैं तुझे किसके पास, इसराइलियों के पास, इसराइलियों के पास। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये इसराइली कौन है, किसकी संतान है इसराइली? इसराइली अब्राहम की संतान है, और अब्राहम की एक और संतान है जो है इश्माएल। इश्माएल, हाँ बिल्कुल ठीक, जहां से हमारे मुसलमान भाई आते हैं। तो ये यहूदी और मुसलमान बिल्कुल एक जैसे हैं। बिल्कुल ठीक, कट्टरपंथी में दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। आगे पढ़ेंगे, अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास, बलवा करने वाली जाति के पास। बिल्कुल सही, ये मुसलमान लोग बलवा करते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं कि तुम्हारी बाइबल में ये लिखा है, तुम तीन खुदाओं को मानने वाले हो, यीशु मसीह को सलीब नहीं दी गई, तुम कहते हो कि यीशु खुदा का बेटा है, यीशु खुदा का बेटा नहीं हो सकता, क्या उसकी कोई बीवी है। वो हमसे लड़ते हैं। सही बात है, वो हमसे झगड़ते हैं, वो बलवा करते हैं। आगे पढ़ेंगे, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया, जिन्होंने किसके विरुद्ध बलवा किया है, यहोवा के विरुद्ध, यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, और बाकी कम्युनिटीज के लोग सच्चे परमेश्वर के खिलाफ बलवा नहीं करते, लेकिन मुसलमान कौम एक ऐसी कौम है जो डायरेक्ट कहती है और डायरेक्ट बाइबल पर इल्जाम लगाती है, खुदा के ऊपर इल्जाम लगाती है, नहीं ऐसा नहीं हुआ, यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं है, वो सीधा परमेश्वर के साथ में बलवा करते हैं। आगे, और अगर उनके दाव नहीं चलता तो कहते तो बाइबल बदल गई, बाइबल बदल दी गई है। बिल्कुल, जब जवाब नहीं है तो यही कहेंगे जी। आगे लिखा है, उसके पुरखे, उसका पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध पाप करते चले आए हैं। आगे, इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्लज और हठीले हैं। और हठीले हैं, ये हठीले का क्या मतलब होता है?
इस बाइबल के खुदा के कलाम ने मुझसे बात करी, राहुल वो मुसलमान लोग हटीले हैं। हटीले मतलब उनके पास जाकर के उनको बताओ भाई यीशु मसीह आपके गुनाह के लिए मारा गया, नो नहीं, हम नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते यीशु हमारे लिए मारा गया, हम नहीं यकीन करते, नहीं यकीन करते कि यीशु मसीह हमारे गुनाह के लिए कुर्बान हुआ, वो तो जिंदा आसमान पे उठा लिया गया। हटीला मन, उनका मन हटीला। सही कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा ही मैंने हमेशा देखा है। आगे पढ़ेंगे, और तू उनसे कहना प्रभु यहोवा ने यूं कहता है, और तू उनसे यूं कहना प्रभु यहोवा यूं कहता है, इससे जो वो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच में एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। इतना तो वो जान ले। आगे पढ़े, हे मनुष्य के संतान तू उनसे ना डरना। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग मुसलमानों के पास जाने से डरते हैं, उनको डर लगता है। That's true, yes. और आगे पढ़ेंगे, चाहे तुझे काटो ऊंट कटारो और बिच्छुओं के बीच में भी रहना पड़े तो भी उनके वचनों से ना डरना। क्या बात है, उनके वचनों से ना डरना। अस्तगफुरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिललाह अलिल अज़ीम नुअज़्ज़ु बिल्ला मिन ज़ालिका। हम डर जाते हैं। अरबी बोल दी साहब, हम डर जाते हैं। हम उनके मुंह के वचनों से डर जाते हैं। खुदा का कलाम कहता है तो उनके मुंह के वचनों से ना डरना। आगे पढ़ें, लिखा है यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं तो भी ना उनके वचनों से डरना ना उनके मुख को देख के डरना। साहब, हम मुसलमान की लंबी लंबी दाढ़ी देख कर डर जाते हैं। सही बात, जब हम मुसलमानों को देखते हैं लंबी दाढ़ी रखी हुई है तो हम उनके शक्ल को देख के डर जाते हैं। खुदा का कलाम कहता है ना तू उनके शब्दों से डरना ना उनके चेहरे देख करके डरना। क्या बात है, और लिखा है कि तेरा मन कच्चा ना हो। हम जब मुसलमान के पास में गॉस्पल लेकर जाते हैं तो हमारा मन कच्चा पड़ जाता है। पता नहीं क्या होगा, मुझे मार ना दे, मुझसे सवाल ना पूछ ले, हमारा मन कच्चा पड़ जाता है। खुदा कलाम कहता है तेरा मन कच्चा ना पड़े, इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना। वे तो बड़े विद्रोही हैं। खुदा का कलाम हमें कहता है तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना। ये हमारी कॉलिंग है, ये मेरी कॉलिंग। So this is why Islam actually. Yes. This is why Islam. खुदा के इस कलाम ने मुझसे बात करी है। क्या बात है? खुदा अपने कलाम के जरिए अपने बंदों से बात करता है। Amen. That's beautiful thing. यार मैं आज के दिन से पहले मैंने भी कभी इस भाग को इस रीति से नहीं पढ़ा था। That's a beautiful thing. और ये वाकई में बुलाहट है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आज आप मसीहत को किस रीति से देखते हैं? आज चर्च में लोगों के विचार, जैसा कि आपने कहा कि वाकई में डरते हैं जी, एंड मैं ये कहूँगा कि बहुत बार ऐसी चीज़ों को हमेशा मैंने देखा है। मैं सड़क पर इवेंजलिज्म कर रहा था, मैं पर्चे बांट रहा था, वहाँ पर एक इवेंजलिस्ट मुझे मिले, एक इवेंजलिस्ट मिले जिन जो वो भी सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं लेकिन वो उर्दू मतलब मुसलमान के लिए। लेकिन जब मैं उनके पास पहुँचा मुझे पता चला कि ये जो है गॉस्पल लिटरेचर बांट रहे हैं, तो जैसे मैं उनके पास पहुंचा वो घबरा गए मुझे देखकर। और उन्होंने कहा, वो घबरा गए वाकई में, उन्होंने ऐसे सीने पर हाथ रखकर कहा आपने मुझे डरा दिया, क्योंकि वो डर कर भी ये काम कर रहे थे। एंड आई कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स, और वाकई में ये बात अच्छी नहीं लगती उनके चेहरे को देखकर, बहुत सारी चीजों को देखकर, और वो बातों को करना आक्रामक हो जाते हैं। दैट्स पार्ट। लेकिन एक सवाल बनता है, सारी बातें यहां क्लियर हैं, चर्च आज के दिन तक इस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा। आप कैसे देखते हैं कि आज हमारे लोगों का क्या रवैया है, क्या हम अपना काम ढंग से कर रहे हैं? क्योंकि आप इन सारी चीजों को आप बहुत सालों से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या सही है, चर्च अपना काम कर रहा है, क्या चर्च में पास्टर्स अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं? नहीं, आज
मसीही लोग जिनको खुदा का कलाम मिला, जिनको खुदा की रूह मिली, वो मुसलमानों के पास में नहीं जा रहे हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जो गॉस्पल लेके मुसलमानों के पास में जा रहे हैं, बहुत थोड़े नहीं जा रहे हैं। उनको डर लग रहा है, उनको डर लग रहा है कि वो सवाल पूछेंगे, वो हमारे फेथ पे क्वेश्चन उठाएंगे, वो हमसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिसके जवाब हमें देने नहीं आते। तो मेरा ये दर्शन है कि लोगों को, मसीहों को मैं खुदा के कलाम में इतना मजबूत कर दूं, इतना मजबूत कर दूं कि जब मुसलमान उनके पास आ करके उनको कुरान सिखाए तो उनके अंदर इतनी ताकत हो कि वो उनको बाइबल सिखा सके, उनको मसीह की इंजील सिखा सके। क्या बात है, बहुत ज़रूरी बात है जी। ये क्या आप कैसे देखते हैं कि आज मैं देखता हूँ कि लोग जो हैं इस्लाम को, क्रिश्चियंस, मसीह लोग जो हैं इस्लाम की तरफ झुकाव देख रहे हैं जी। आप इसके लिए इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मैंने दिल्ली के अंदर और कई जगहों पर मैंने देखा है बहुत सारे मसीह भाई बहन इस्लाम कबूल कर रहे हैं। बहुत तकलीफ़ की बात है, और तकलीफ़ की बात इसलिए है क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को नहीं जाना, उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं जाना। इसलिए जब मुसलमान उनके पास जाते हैं और उनको कुरान की आयतें बताते हैं, कुरान की बातें बताते हैं, तो उनको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी इसलिए वो उनका सामना नहीं कर पाते। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब शैतान यीशु मसीह के पास में आया था तो उसने क्या कहा, यदि तू खुदा का बेटा है तो कह दे ये पत्थर रोटी बन जाए। सही कहा, शैतान ने यीशु मसीह का सामना किया तो वचन से ही। यीशु मसीह ने कैसे सामना किया? वचन ही से। क्या बात है, बिल्कुल। तो मुसलमान भी कुछ ऐसा ही करते हैं, वो आते हैं और आ करके हमारे पास हमारी बाइबल में डाउट डालते हैं। आपने बताया था कि चर्च में आकर बैठ जाते हैं, एग्जैक्टली exactly. और चर्च में बीच सभा में एग्जैक्टली exactly. पास्टर खड़े हो जाते हैं। बीच सभा में खड़े होकर पास्टर से सवाल पूछते, बताओ यीशु खुदा का बेटा कैसे है, बताओ यीशु मसीह सलीब पे कैसे मरा, परमेश्वर का इतना अच्छा नबी मर कैसे सकता है। वो खड़े होकर के चर्चेज में पास्टर्स पे सवाल उठाते हैं, हमारे बेचारे पास्टर्स डर जाते हैं। तो मेरा ये दर्शन है कि मुसलमानों के पास गॉस्पल तो लेके जाऊं ही जाऊं, उसके साथ साथ अपने मसीह भाई बहनों को भी मैं खुदा के कलाम में मजबूत करूं। सही बात है, इसकी बहुत सख्त जरूरत है। ये सिर्फ बाइबल कॉलेज तक ही सीमित ना रह जाए, और आज ये शिक्षा हम सबको ज़रूरी है ताकि हम ठीक समय पर परिस्थितियों के अनुसार और ऐसे समयों पर उसके लिए जवाबदेह हों, ताकि क्योंकि ये हमारा काम है, कम से कम प्रभु के सेवकों की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को, चाहे हमारे बच्चे हों चाहे हमारे जवान हों, उनको हम अच्छी रीति से सिखाएं। और पेरेंट्स को भी, कई बार मैं जानता हूँ पास्टर्स के लिए बहुत समस्याएं होती है, एक पास्टर होने के नाते मैं चर्च में कई सारी समस्याओं को देखता हूँ। जब मैं लोगों को रिस्पॉन्स नहीं देखता, मैं सिखाने को तैयार हूँ, वो सीखने को तैयार नहीं जी, वहाँ पर बहुत समस्याएं होती हैं। लेकिन फिर भी निराश ना हो और अपनी सेवकाई को बहुत सामर्थ्य के साथ और अधिक गहराई के साथ पवित्र आत्मा की बुलाहट के साथ करते जाना चाहिए जी। बिल्कुल, व्हाट यू थिंक अबाउट जी? बिल्कुल सही बात है। खुदा ने जिस कॉलिंग को आपको दिया है, आपको उसके साथ वफादार रहना है। बाइबल एक बात कहती है, खुदा के कलाम में एक बात लिखी है, हलाक तो वो लोग होंगे, मैं सवाल तुमसे पूछूंगा। तुम, सही बात, जो खुदा का कलाम जानते थे, तुमको जो रूहे पाक दिया गया, तुम जा करके सुसमाचार क्यों नहीं सुनाया, तुमने जाके गॉस्पल क्यों नहीं सुनाया, ये हमसे सवाल पूछा जाएगा। और जिस दिन हमसे ये सवाल पूछा जाएगा, जब हम खुदा के सामने खड़े होंगे, ऐसा ना हो कि हमारे पास कोई उत्तर ना हो। सही बात है, ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं और हम पछतावा करें कि धरती पर रहते रहते हमने सुसमाचार का प्रचार क्यों नहीं किया। वाकई में बहुत गंभीर बात है, इस बारे में सोचना चाहिए, और प्रभु सहायता करे। और आने वाले दिनों में और एपिसोड्स पर हम बातचीत करेंगे, और ख़ास तौर से इस्लाम और आज के समय में मसीही विश्वास और इस्लाम पर हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि आपको इन सब बातों का बहुत गहरा और उमदा अनुभव है। मैं दरख्वास्त करूँगा आगे के एपिसोड्स में ज़रूर हम और गहरी बातों को जानें, ताकि श्रोता और ख़ास तौर से प्रभु के सेवक और हर एक वो परिवार अपने आप को आज संभाल ले, क्योंकि बगल में ही खड़ा है शैतान। अब वो चाहे किसी भी रूप में जहाँ कमजोरी देखेगा, जिस व्यवस्था को देखेगा, वो वहीं से आकर आपको और आपके परिवार को डिस्टर्ब करेगा। मेरे प्रियो,
इससे पहले कि हम ऐसी परिस्थितियों में फंसे, अपने आप को तैयार कीजिए। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दास। प्रभु बहुत आशीष करे, फलवंत और बलवंत हो। और साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा, विजनरी रेडियो टीवी के लिए प्रार्थना कीजिए। हम आगे कुछ नए प्रोग्राम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। दान, दशमांश, ऑफरिंग्स की आवश्यकता है, आपकी सहायता की आवश्यकता है। आई नीड पीपल जो अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकें, जो वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस और मीडिया से रिलेटेड कुछ भी काम जानते हो, और सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग और इन सब चीज़ों में भी अगर किसी के पास कुछ आइडियाज़ हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, प्लीज़ व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिए। प्रभु सहायता करें, मिलकर संगति करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। आमीन। चैन से के क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, और अगर आप उसके प्रेम को देखना चाहते हैं, हमारे पास आइए विजनरी टीवी पर। जॉइन अस ऑन विजनरी टीवी। से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, कहां से हैं और क्या हैं। आइए विजनरी रेडियो और टीवी पर संगति करेंगे मिलकर एक साथ। लेट अस जॉइन टुगेदर विजनरी रेडियो और टीवी चैनल पर।